रेंजर्स ने गोलीबारी की, जिसका बीएसएफ के जवानों की तरफ से मौसर जवाब दिया गया। लेकिन अच्छी खबर ये कि इस फायरिंग के दौरान जो 1 बजे से 3 बजे के बीच जो बीएसएफ के मुताबिक हुई है, और इस फायरिंग में किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, और 2 घंटे जो वक्फे वक्फे से गोलीबारी होती रही सांबा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और कठुआ के भी इलाकों से भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह की इत्तलात मिली, जहां पर 1 बजे से 3 बजे के बीच में गोलीबारी हुई, लेकिन गोलीबारी छोटे हथियारों के साथ जो आमतौर पर यहां देखा जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद गोलीबारी रुकी। और अब सरहदी इलाकों में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो उन इलाकों से मुड़कर दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी यह हलचल